फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चों की डिमांड भी बढ़ गई है और गर्मी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। भाई बच्चे हैं, डिमांड तो करेंगी। आज ऐसी हेल्दी रेसिपी जो बहुत ही कम समय में और एकदम गर्मी के हिसाब से परफेक्ट है। वीडियो क्या है लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। आज की रेसिपी बनाएंगे इस मूंग दाल से। बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है, लाइट वेट है। इसको अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं और आधा घंटे के लिए भिगाकर रख देते हैं। जब तक दाल हमारी भीग रही है तो यह हमने एक पैन में डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून चने की दाल। अगर आपके पास रोस्टेड है तो आप वह ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून ले रहे हैं यहाँ पीनट, इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अब हमने ले लिया एक मिक्सी का जार, जो पीनट और चने की दाल भूनी है उसको पलट लेंगे। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, साथ में डालेंगे इमली, 2 टेबल स्पून डालेंगे डेसिकेटेड नारियल। अगर डेसिकेटेड नारियल की जगह आप यहाँ पर हरा नारियल भी ले सकते हैं और ड्राई नारियल भी ले सकते हैं। और इमली की जगह अगर आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने इसे मिक्सी की जार में से पलट लिया है। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार, साथ में इसमें लगाएंगे राई करी पत्ते का तड़का। लीजिए, ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई। आप चाहें तो इस समय इसमें पुदीना और धनिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दाल भी हमारी भीग कर एकदम फूल कर तैयार हो गई है। अब हमको लेना है एक मिक्सी का जार। हमें पानी इसका बिल्कुल भी नहीं लेना है। मिक्सी के जार में बिना पानी के इस दाल को पलट लेना है। मूंग दाल में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग इसमें नहीं किया है। अब हम इस बैटर में डालेंगे नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके 2 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। आप दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखिए। क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है इसलिए इसको 2 मिनट रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस टाइम पीसते समय इसमें अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, बच्चों के लिए बना रही हूँ और एकदम सिंपल बना रही हूँ। अब 2 मिनट के लिए इसको रखते हैं। जब तक बैटर हमारा रेस्ट पर है, हमने यहाँ ले लिया एक टमाटर और एक शिमला। टमाटर का हमें ये सामने वाला पार्ट इस तरीके से गोल गोल कट कर लेना है। इस तरीके से हमें बीच वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसमें बीज होते हैं, और बाकी के हम टमाटर को छोटा छोटा पीसेस में कट कर लेते हैं। जैसे ये है ना, हमें इसका टमाटर का बिल्कुल भी ये वाला पार्ट नहीं चाहिए और छोटा छोटा इस तरीके से टमाटर और शिमला को हम कट कर कर रख लेते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से ये गोल वाले पीस अलग रखे हैं, छोटे टमाटर और ये है शिमला मिर्च। यहाँ पर आप हरी मिर्च, हरा धनिया भी चॉप करके रख सकते हैं। आज मेरे पास हरा धनिया है नहीं और हरी मिर्च मैंने अंदर पहले से डाल के रखी हुई है। अब हम चलते हैं, बैटर देख लेते हैं। देखिए, एकदम फ्लफी बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। ये हमें नींबू का रस तभी डालना है जब आप इसको बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं, सारी बैटर यानी कि तैयार कर चुके हैं गैस पर चढ़ाने की। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने रखी है जाली, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हल्की गैस चाहिए थी, एकदम स्लो, और उसके ऊपर रखूंगी ये पैन। आप चाहें तो यहाँ पर तड़का पैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा घी या ऑयल, किसी से भी आप इसको ग्रीस कर सकते हैं। और इसमें डालूंगी थोड़े से सफेद वाले सीसम सीड यानी कि सफेद वाले तिल,
और पैन के बीचा बीच में इस बैटर को इस तरीके से रख दूंगी। मुझे बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, बस बैटर को बीच में रखना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख दूंगी ये टमाटर का पीस, और बीच में यहां पर डाल दूंगी बाकी के टमाटर जो छोटे छोटे हमने चॉप करके रखे थे। साथ में डाल देंगे ये कैप्सिकम जिसको हमने चॉप किया था इस तरह से। ये प्रोसेस आप इस समय कर लेंगे तो ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएगी। और इसके ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आए। एक मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे जिससे ये ऊपर से पक जाए। जब ये ऊपर से सूखने लगे तो हल्का हल्का ऑयल या घी इसके ऊपर लगा दीजिए और इसको पलट दीजिए। इसको पलटना देखिए कितना आसान है, ये देखिए। अब एक से दो मिनट इधर भी इसको पका लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से ये इस तरीके से पक जाएगा। इसी तरह हम सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैं आपको एक और बता देती हूँ, पैन में इस तरह से घी लगाएंगे, थोड़े से सफेद वाले तिल डालेंगे। बैटर को हमें बीचा बीच में इस तरीके से रखना है, फैलाना नहीं है, बस इस तरीके से बीच में रख देना है। बीच में इस तरीके से एक टमाटर का पीस रखेंगे गोल वाला, और जो सब्जियां हमने चॉप की हैं उनको इसमें लगा देंगे। ऊपर से ब्लैक पेपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और दो मिनट के लिए इसको कवर करके पका लें। देखिए इसी तरह हम सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से बनकर तैयार हो रहे हैं। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। लीजिए बनकर तैयार है, एकदम लाइट वेट है, और ये आ गई इसकी चटनी। देखने में जितना खूबसूरत है खाने में उतना ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।